is sponsored by. मनीष कुमार काली पूजा समिति का अध्यक्ष पिछले 15 सालों से सेक्टर 33 चिंद्रन मॉल के पास ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है और हर साल विसर्जन के दिन हमारे यहाँ बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है और इस साल भी करीब करीब 150 बच्चों ने भाग लिया हमारे ड्राइंग कंपटीशन में, जिसमें 3 बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बच्चों को प्राइज का वितरण किया गया। आप जो बच्चे लोग का चित्रकारला प्रतियोगिता कराते हैं उसमें कोई एज लिमिट होता है क्या? नहीं, एज लिमिट कोई खास फैक्टर नहीं है। 1 से 5 क्लास तक के बच्चे, मैंने मैक्सिमम 10 क्लास के बच्चे तक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, कहीं से भाग ले सकते हैं या कहीं से? पूरे बोकारो में से कहीं के लड़के आके ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और उम्र का नहीं है, क्योंकि ड्राइंग बच्चों पे ही छोड़ दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन वो जो जजमेंट होता है वो 1 से 5 तक के बच्चों का ही। क्या आप कुछ विषय रखते हैं ड्राइंग के लिए या बच्चे को अपने मन से कोई भी ड्राइंग बनाना रहता है? नहीं, कॉमन एक हार्ड एक टॉपिक नहीं रहता है, एक लूज टॉपिक रहता है जिसके अगल बगल बच्चों को बनाया दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोच। हाँ, वे टॉपिक आप लोग डिसाइड हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन बच्चा, क्लास के हिसाब से देखते हैं कि जैसा क्लास 1 का बच्चा है कितना, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कलर इनपुट कितना दिया है, कितना कितना एक्यूरेट और कितना फेयर डिपिक्शन है एक आपका दिया हुआ टॉपिक पे। टॉपिक पे लूजली है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना दें। देखते हैं कौन टॉपिक स्ट्रक है और कलर कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है वैसा। फर्स्ट विनर कसक झा है, सेक्टर 3C, उनका यह ड्राइंग कॉम्पिटिशन के द्वारा बनाया गया ये चित्र है। फर्स्ट प्राइज विनर है ये। सेकेंड है कनिष्का प्रीतम, ये भी सेक्टर 5B क्लास 5B सेक्टर 3C, इनके द्वारा बनाया गया ये चित्र है। थर्ड है अभिजीत कुमार, थर्ड प्राइज विनर है क्लास 5।